जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो ये मानव की प्रवृत्ति है या मानव का स्वभाव, उसे उसकी अहमियत उसके दूर जाने पर ही पता चलती है। जैसे नीलम की अहमियत पवन सिंह को तब पता चली जब नीलम उनसे इतनी दूर चली गई कि वापस आ ही नहीं सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की दूसरी पत्नी नीलम के बारे में, जो कि शादी पवन सिंह ने अपने परिवार की मर्जी से अपने परिवार की खुशी के लिए की थी। और महज शादी के 4 महीने बाद ही पवन सिंह के ही घर में, पवन सिंह के बेडरूम में नीलम ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या को लेकर कई बातें हुई। लोगों ने ये कहा कि नीलम ने आत्महत्या सिर्फ पवन के उन आदतों की वजह से की है जो कि कतई एक पत्नी को पसंद न आएगी। हद से ज़्यादा नशे में धुत रहना, हमेशा लड़कियों में घिरे रहना और पत्नी की कोई कद्र न करना, ये आदतें किसी भी पत्नी को बिल्कुल गवारा नहीं होगी। लेकिन उस वक्त पवन ने ये सारी चीज़ें नहीं समझी। लेकिन अक्षरा और ज्योति के आ जाने के बाद पवन ने ये ज़रूर समझा, नीलम उनके लिए सबसे परफेक्ट थी। जी हाँ, आजकल आए दिन ज्योति और पवन के रिश्तों की जो नोकझोंक है, जो खट्टी मीठी टकरार भी बोल सकते हैं आप, या अमूमन जो हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, उस तरह के झगड़ों की खबर गाहे बगाहे सुनाई ही देती है। अब यही देख लीजिए कि लॉकडाउन में पवन सिंह के साथ ज्योति को होना चाहिए था, क्योंकि ज्योति के लिए पवन सिंह बलिया तक गए, लेकिन वहां से ज्योति उनके साथ वापस नहीं आई। खैर, आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं वो बात ये है कि पवन सिंह आरा के अपने नए वाले घर में हैं और वहीं पर अपने कुछ एल्बम की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं से एक वीडियो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है जिसमें पवन सिंह एक गेरुआ वस्त्र पहने हैं। जब घर से बाहर निकल रहे थे और जब नेम प्लेट पर ध्यान गया तो आंखें खुली की खुली रह गई। जी हाँ, नेम प्लेट पर नाम लिखा था नीलम निवास। नीलम पवन सिंह की दूसरी पत्नी का नाम है, यानी कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को इस बात का रियलाइजेशन है कि उन्होंने नीलम के साथ बहुत गलत किया, और अगर आज वो नीलम के साथ सही ढंग से रहते तो शायद अक्षरा और ज्योति की ज़रूरत ही उनकी लाइफ में नहीं उन्हें पड़ती। वैसे ज्योति अपनी जगह राइट है, क्योंकि ज्योति आज की महिला है, उन्हें अपने सही गलत का अंदाज़ा है। कोई भी स्त्री ये नहीं पसंद करेगी कि उसका पति इन सब चीज़ों में फंसा रहे, तो इसलिए अगर ज्योति अपनी जगह स्टैंड ले रही है तो वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ज्योति ने एक बार अक्षरा सिंह के साथ कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान खुद कबूल किया था कि नीलम काफ़ी अच्छी थी, नीलम दीदी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, यानी कि नीलम इतनी अच्छी थी कि अपने आत्महत्या की एक भी उंगली उन्होंने पवन सिंह पर उठने तक नहीं दी। लोग आत्महत्या करते वक्त अमूमन सुसाइड नोट लिखते ही लिखते हैं, लेकिन ज्योति ने तो वो तक नहीं लिखा। आप हमारा इशारा समझ सकते हैं। जीते जी तो नीलम को पवन सिंह वो सम्मान तो नहीं दे पाए, लेकिन मरने के बाद अपने नए वाले घर के नेम प्लेट में नीलम निवास लिखवा कर पवन सिंह ने नीलम को वो सम्मान ज़रूर दिया है कि आज भी नीलम उनकी लाइफ में मैटर करती हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं।